नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर एक के बाद एक अपना इतिहास रच रही है। इस फिल्म का गाना नाटू नाटू जबरदस्त धमाल मचा रहा है। गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। दर्शकों के बीच इस गाने की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। हाल ही में कोरिया दूतावास के स्टाफ ने इस गाने पर डांस किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में अब इस वीडियो पर पीएम मोदी ने भी कमेंट किया है। भारत में कोरिया दूतावास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को साझा किया है। इसमें कोरियाई राजदूत चांग जे बोक के साथ एम्बेसी में काम कर रहा स्टाफ ट्रिपल आर के नाटू नाटू गाने पर डांस करते नजर आ रहा है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, क्या आप नाटू को जानते हैं? हम कोरिया दूतावास का नाटू नाटू डांस कवर शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। आप भी देखिए इस गाने पर कोरियन राजदूत चांग जे बोक के साथ पूरे स्टाफ का धमाकेदार डांस। इस वीडियो पर यूजर्स अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हर कोई कमेंट कर रहा है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, जीवंत और मनमोहक टीम प्रयास। इससे पहले पीएम मोदी ने भी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने पर बधाई दी थी। इसके अलावा हर कोई कोरियन दूतावास के स्टाफ के डांस स्किल्स की तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, वाकई जबरदस्त प्रस्तुति। दूसरे ने लिखा, डांस तो गजब का किया ही है, देखकर लग रहा है कि सभी ने इस गाने को खूब इंजॉय किया है। बता दें इसी साल की शुरुआत में इस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी इसके खाते में गया। वहीं अब ये गाना ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग 1200 करोड़ से अधिक कमाई की थी।